हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आज के में हम बात करने वाले हैं, कुछ अधूरा नहीं लगा आपको? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो वर्ड को मैंने ओमिट कर दिया था, वीडियो वर्ड को मैंने छोड़ दिया था। यही है हमारा आज का टॉपिक, ओमिशन, जो ग्रामर सेक्शन में पूछे जाते हैं। क्या होता है ये ओमिशन? अरे भाई, आप तो जान तो गए कि इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं या सेंटेंस दिए जाते हैं जिनमें से कुछ वर्ड को ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बस उन्हें ही हमें फाइंड करने होते हैं और प्लेस पे लिखने होते हैं। सिंपल है। तो बात करते हैं जनरली किन वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमाइनर्स एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब या जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो ओमिट कर दिए जाते हैं। तो जिस तरह हमने एरर करेक्शन में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए, कि ग्रामेटिकल नॉलेज तो हमें चाहिए, कुछ हम लॉजिक पे तो लाई करते, लॉजिक तो है ही अपने पास, और एक हथियार मैं फिर से आपको देना चाहूंगा, दैट इज KBK, जो है KBK। क्या है KBK? किसके बीच क्या। हाँ, बस इतना याद रखिए, किसके बीच क्या है ये फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्व करके कैसे होते हैं। आइए देखते हैं KBK को हम कैसे यूज करेंगे, किसके बीच क्या। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि किसके बीच वर्ड को ओमिट कर दिया गया है, और दूसरा स्टेप होगा कि क्या ओमिट कर दिया गया है। वैसे ही हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसके बीच क्या ओमिट किया गया है। तो पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, केरला अ स्टेट इन साउथ इंडिया। अगर इसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए तो हम देखेंगे ये कह रहा है केरला साउथ इंडिया में एक राज्य है। अब देखते हैं किसके बीच क्या रूल अप्लाई करके, केरला और इसके बीच वर्ड छुटा हुआ होगा क्या, मे बी, और स्टेट इसके बीच, इसके नहीं, साउथ इंडिया, यस राइट, इस पे लग रहा है कि छुटा हुआ होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि किसके बीच छुटा हुआ, केरला और के बीच में, तो कैसे पता चलेगा कि क्या छुटा हुआ। एक बार इसको ट्रांसलेट फिर से करते हैं ना, कि केरला साउथ इंडिया में एक राज्य है, और बाकी सारे वर्ड तो मिल गए, राज्य का स्टेट साउथ इंडिया है तो कुछ नहीं मिला, मतलब क्या ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ छुटा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब छुटा हुआ है। करेक्ट, इस छुटा हुआ है, केरला इज अ स्टेट इन साउथ इंडिया। सो मिसिंग वर्ड हमें मिल गया क्या है, इस के पहले क्या है, केरला, तो हम लोग बिफोर वर्ड लिखेंगे केरला। मिसिंग वर्ड क्या है, इस, और इस के बाद क्या है, और, तो और अब आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग सही करके पढ़ेंगे, ठीक है। केरला इज अ स्टेट इन साउथ इंडिया, फुल स्टॉप, केरला बिकेम फर्स्ट स्टेट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब बढ़िएगा, यहां तक क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग बने रहे। अब देखते हैं कि किसके बीच ओमिट किया गया होगा, इंडिया केरला फुल स्टॉप है, तो यहाँ चांसेस तो नहीं लग रहे। केरला बिकेम, यहाँ पर भी नहीं लग रहा, बिकेम फर्स्ट यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर जनरली प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन एक मिस्टेक से आर्टिकल, अरे ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से भी देखें तो फर्स्ट के पहले, फर्स्ट सेकंड जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, इन सब के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसमें किया ही नहीं भाई, ओमिशन पकड़ना, बिकेम बिफोर वर्ड मिसिंग द, उसके बाद क्या है फर्स्ट, ठीक है। इन केरला इज द स्टेट इन साउथ इंडिया, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंप्लीटली लिटरेट स्टेट, केरला। अच्छा, अब किसके बीच देखते हैं, हो सकता है ओमिशन, स्टेट बी हो सकता है, बी रिकॉग्नाइज्ड, चांसेस कम है, रिकॉग्नाइज्ड एज नहीं, एज ए कंप्लीटली लिटरेट स्टेट, यहां तो क्लियर है ना, यहां पर लग नहीं रहा। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है स्टेट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये है पैसिव सेंटेंस, तो उस केस में यहां पर क्या होता है, टू होता है, स्टेट टू भी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंप्लीटली लिटरेट स्टेट, पर यहां तो टू लगाया नहीं, मतलब टू वर्ड को ओमिट कर दिया गया, तो हम लिखेंगे बिफोर में स्टेट टू, उसके बाद बी, स्टेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंप्लीटली लिटरेट स्टेट,
केरला's नेट इनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन इज ऑलमोस्ट 100%। ठीक, इसे तो पता हमें चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि केरला का जो नेट इनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में वो 100%। ठीक है, अब देखते हैं केवी के रूल लगा के भी नेट इनरोलमेंट के बीच में नहीं हो सकता है क्या? नेट इनरोलमेंट क्या चलेगा? प्रीपोजिशन डिटरमाइनर कंजंक्शन लग तो नहीं ना। इनरोलमेंट प्राइमरी के बीच में यहाँ पर कुछ छूट सकता है। प्राइमरी एजुकेशन के बीच में नहीं, ईच एजुकेशन ईच के बीच में नहीं, इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100%। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई ऑमिट नहीं किया गया है, पता चले। अब यहाँ पर एक आया कि इसके भी छूट सकता है, क्या छूट सकता है? मुझे तो भाई प्रीपोजिशन लगता है, आपको भी प्रीपोजिशन ऑफ छूटा क्या? केरलास नेट इनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज ऑलमोस्ट 100%। अरे नहीं भाई, ईच छूटा, प्रीपोजिशन तो आता आपको। केरला'स नेट इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इज ऑलमोस्ट 100%। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? बिफोर वर्ड में इनरोलमेंट इन प्राइमरी, राइटिंग तो जबरदस्त लिख दिया। तो आप इस रूल को लगा के ऑमिशन बना सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा। तब तक के लिए कीप काम, डू हार्ड, गिव योर बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।